गुड मॉर्निंग इंडिया दोस्तों, आपका दोस्त और होस्ट राकेश मिश्रा ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो कनाडा हाजिर है आपके सामने इस मंडे की सभा में टोरंटो से। सो दोस्तों, आज सोमवार है और आज का टॉपिक थोड़ा सा एज यूजुअल अजीब टॉपिक है कि आज इतनी कंपटीशन की भरी जिंदगी है दोस्तों, और इस कंपटीशन की भरी ज़िंदगी में चाहे आप हिंदुस्तान में रहते हों या हिंदुस्तान से बाहर रहते हों, इस ग्लोबल विलेज के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो कहने का मतलब कि लाइफ इज़ क्वाइट टफ, मेकिंग मनी इज नॉट सो ईजी। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक है कि स्ट्रेचिंग योर सेल्फ बियॉन्ड योर कम्फर्ट जोन। क्या हुआ दोस्तों, मतलब क्या हुआ इसका सही शब्दों में बोला जाए तो हम वही सुबह लेट उठना या वीकेंड में लेट उठना या कभी खाना कभी पीना, कुछ भी पीना कुछ भी खाना और कहीं भी आना और कहीं भी जाना, कोई खास रूटीन नहीं, जो मिला उसको खा लिया, जो जहां घूमना हुआ वहां घूम लिया, जब ऑफिस से मूड किया निकल लिया। तो कहने का मतलब ये जो वेरी रैंडम जो ज़िंदगी होती है, अपने हिसाब से हम जीते हैं और अपने कम्फर्ट के हिसाब से जीते हैं। लेकिन अगर कुछ बड़ा करना है आपको तो ज़िंदगी में दोस्तों, अपने आप को अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक है स्ट्रेचिंग योरसेल्फ बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन। दैट इज़ वन ऑफ द की टू अचीव द ग्रेट अचीवमेंट इन व्हाट एवर एरिया ऑफ लाइफ यू वांट टू, फैमिली में, हेल्थ में, वेल्थ में, कैरियर में, कहीं पर भी। तो आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा दोस्तों। तो अगर आज की डेट में देखा जाए कि जो हम जॉब, सबसे इम्पॉर्टेंट जॉब कौन सी है, सबसे मुश्किल जॉब कौन सी है, और बल्कि इन अदर वर्ड्स अगर हमें कहें कि हम सभी लोग आजकल केवल एक ही जॉब में हैं और वही जॉब सबसे मुश्किल है और वही जॉब सारे हमारे नेम, पैसा, फेम सब कुछ दिलाती है, और दोस्तों वो जॉब है द जॉब ऑफ सेल्स। Everybody is selling something every day. When you are talking to your kids, to your wife, to your friends, to your co-worker or your colleague, you are selling. Sometimes you are selling some idea, sometimes some product, sometimes some views, opinion, some way, one way or other you are selling. So दोस्तों, selling में basically तीन चीजें हम sell कर रहे होते हैं every time. One of them, sometime all three together. तो वो कौन सी चीज़ें, तो as I said, बहुत सारे हमारे भी नए लोग ज्वाइन किए हैं, तो सबसे जो चैलेंजिंग जॉब दुनिया में है और जो सबसे अच्छा जॉब है दुनिया में वो है सेल्स का जॉब। एंड बेसिकली एवरी मोमेंट वी आर सेलिंग समथिंग। और क्या चीज़ें हम सेल करते हैं, तीन ही चीज़ें सेल करते हैं दोस्तों, या तो कोई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कोई फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे कि कोई शू हो गया, बुक हो गई, कार हो गई, और कोई मटेरियल हो गया, और तो ये सारे फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं, या कोई डिजिटल प्रोडक्ट, उसमें ई बुक हो गई, बुक हो गई, कोई ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स हो गए। सो बेसिकली जो डिजिटल प्रोडक्ट हैं जो कि आपकी डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या तो आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हो या कोई सर्विस सेल कर रहे होते हो। सर्विस में क्या हुआ कि जैसे कि आप कोई कोचिंग, मे बी यूर कोचिंग समवन, या कोई ट्रेनिंग सेल कर रहे हो, कोई मेंटरिंग सेल कर रहे हो, कोई काउंसलिंग सेल कर रहे हो, तो ये हमारे सर्विसेज हो गई दोस्तों। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट, जो सबसे ऊंची और सबसे ज़बरदस्त चीज़ दोस्तों, वो क्या सेल कर रहे होते हैं हम, अपने आप को सेल करना। तो सेलिंग योर सेल्फ, सो प्रोडक्ट, सर्विस और सेल्फ में जो सबसे मुश्किल काम है वो सेलिंग योर सेल्फ। किसी ने बोला है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे होते हैं, लेकिन उसको सेल करने के पहले अगर आप अपने आप को सेल कर दें तो सबसे आसान हो जाता है फिर प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करने में। और अपने आप को सेल करने के लिए एक लाइकेबिलिटी और एक क्रेडिबिलिटी बनानी होती है कस्टमर के सामने, अपने आप के दोस्तों। तो अपने आप को सेल करने के लिए क्या चाहिए आपके पास, कौन सी स्किल आपके पास चाहिए अपने आप को सेल करने के लिए? तो जब सबसे जो इम्पोर्टेंट स्किल अपने आप को सेल करने के लिए दोस्तों, वो है कम्युनिकेशन, कैसे आप बात करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज में हैं जो सेल्स डिपार्टमेंट में हैं, अगर 100 लोग हैं तो उसमें 5-6 लोग टॉप पे होते हैं, उनके भी 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर होते हैं दोस्तों। वही प्रोडक्ट वो सेल कर रहे होते हैं और उसी एरिया में, उसी कंट्री में, उसी सिटी में सेल कर रहे होते हैं, लेकिन वो टॉप 5 में होते हैं और
बाकी सारे लोग अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं, ऐसा क्यों है? अगर हम बॉटम को ले लें कि जो बॉटम फाइव और जो टॉप 5% में जो मेजर गैप, जो मेजर डिफरेंस क्या होता है कि दोनों के सेल में इतना बड़ा डिफरेंस होता है? दोस्तों हम सबको मालूम है कि वो डिफरेंस होता है कम्युनिकेशन की वजह से, क्योंकि उनको बोलना आता है, उनको बोलना आता है। लोग बोलते हैं कि मिट्टी को भी सोना बना के बेच देते हैं, तो दोस्तों बोलना, कम्युनिकेशन, आज की डेट पे अगर हम कम्युनिकेट करते हैं कोई इन्फॉर्मेशन को या कोई बातचीत को, तो चार ही मोड हैं, चार तरीके से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो और चाहे अपनी पर्सनल, यू नो, डे टू डे इन पर्सन मीटिंग हो। वो चार मोड क्या होते हैं दोस्तों? या तो हम टेक्स्ट में कम्युनिकेट करते हैं, किसी को ईमेल लिख दिया, किसी को टेक्स्ट भेज दिया, SMS भेज दिया, या किसी को लेटर भेज दिया, तो टेक्स्ट फॉर्मेट हो गया। दूसरा फॉर्मेट दोस्तों होता है पिक्चर का। हमने कोई पिक्चर शेयर कर दी, कहीं पे हम खड़े हुए हैं, कोई चीज़ देख रहे हैं, उसकी पिक्चर क्लिक की और हमने सोशल मीडिया में शेयर कर दी, एक तरीके से इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर दी कि हम ये दोस्त यहाँ पे हैं और ये चीज़ देख रहे हैं। तो यहाँ तो आप टेक्स्ट के थ्रू करते हैं, पिक्चर के थ्रू करते हैं, या ऑडियो के थ्रू, आपने ऑडियो रिकॉर्ड कर दिया, चाहे कोई गाना हो, चाहे कोई बातचीत हो। तो तीसरा फॉर्मेट हो गया ऑडियो का। दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट है वो है वीडियो का। स्टैटिस्टिक्स बोलती है कि बाई 2022 तक जितनी भी सोशल मीडिया, इंटरनेट में जो हमारी कम्युनिकेशन होती है, वो 90% कम्युनिकेशन वीडियो फॉर्मेट में ही होगी। सो दोस्तों जब ये जो चार फॉर्मेट में हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, चलिए इसके पहले आगे बढ़ें, थोड़ा सा हम साउट आउट देते हैं अपने दोस्तों को जिन्होंने ज्वाइन किया है। थॉमस अराजो, थैंक यू वेरी मच, यू बीन वेरी कंसिस्टेंट। अमित पांडे, थैंक यू वेरी मच। शशिर कपिल जी, थैंक्स अ लॉट। लैनी, थैंक यू वेरी मच, आई डोंट, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, दिस इज हिंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश मिस्ड, हिंदी, यू नो, आवर इंडियन लैंग्वेज। एंड रूपी, थैंक यू वेरी मच। असिस हब, थैंक यू वेरी मच। एंड संदीप आनंद, थैंक यू वेरी मच। अभिजीत जी, थैंक्स अ लॉट। जे मोहम्मद इस्माइल, यू आर अगेन, थैंक यू वेरी मच। प्रवीण भाई, बलजिंदर जी, थैंक यू वेरी मच। मारिया, yeah, so as I said, this program is for Hinglish and Hindi mix, mainly my South Asian client, especially India, जो हिंदी भी समझते हैं और इंग्लिश भी समझते हैं। तो दोस्तों या आज मैं ये टॉपिक ये है कि स्ट्रेचिंग योर सेल्फ बियॉन्ड योर कम्फर्ट जोन इज द की टू गेट अ सक्सेस इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। तो उस पर थोड़ा सा हल्का सा चलिए बाद में करेंगे। तो अभी हमने जहाँ से छोड़ा था, तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर आपको कम्युनिकेट करना है, देर आर फोर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन जब हम इंफॉर्मेशन करते हैं, टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो एंड वीडियो। तो जब से सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों मीडिया है वो है वीडियो। तो जैसे हमने बताया कि 2022 तक लोग बोलते हैं, स्ट्रेस बोलती है, मीडिया बोलता है कि 90% ज़्यादा कम्युनिकेशन हमारी वीडियो में होगी। तो दोस्तों वीडियो का मतलब क्या हो गया? हमारी वर्बल कम्युनिकेशन, हमारी स्पीकिंग स्किल्स, या तो हमारे स्पीकिंग स्किल्स को, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि बात करना भाई आता है तो सबसे बड़ी बात है। अगर मैं बोलता हूँ कि हिंदिया में अगर मोदी साहब के बोलना उनसे आप निकाल दें तो हो, यू नो, तो उनकी बहुत बड़ी पावर छिन सकती है, मतलब बोलने की पावर, जो उनकी बोलने की शक्ति है वो उनको बहुत कामयाब बनाए हुए है। इसी तरीके से ग्लोबल जितने भी लीडर हुए हैं, चाहे हमारे ओबामा हैं, डोनाल्ड ट्रंप हैं, या बिल क्लिंटन हैं, या मंडेला हैं, एक से एक, चाहे विंस्टन चर्चिल इज़ वेरी वोकल पर्सन, तो जितने भी ग्रेट लीडर हुए हैं उनको एक चीज़ ज़रूर कॉमन रही है, दे नो हाउ टू टॉक। द सेम वे टू बिकम अ लीडर इन योर चोजन फील्ड, चाहे आप सेल्स में है, सर्विस में, अपने सोसाइटी में है, अपने सिटी में है, अपनी कंट्री में है, लीडरशिप में है, किसी में भी हैं, तो आपको बोलना आना चाहिए। टॉकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। तो आप बोलेंगे कि किस तरीके से टॉकिंग को इम्प्रूव किया जाए, अपने स्पीकिंग स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए? बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे होंगे बोलेंगे कि अरे हम इतना ज़्यादा तो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा रिसोर्सेज, फ्री में रिसोर्सेज, जहाँ पे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन क्या है दोस्तों जो मैं बोल रहा हूँ, कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ, ये वो लड़का बोल रहा है गांव का, राकेश कुमार मिश्रा, जो गांव में पैदा हुआ था और आज इसको कनाडा में, और इस तरीके से जब मैं स्पीचेस देता हूँ इंग्लिश में, आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि एक छोटा सा गांव का लड़का जिसने ठीक से अंग्रेजी सीखना 16-17 साल की उम्र से, और जितना भी छोटी बहुत सक्सेस मिली है दोस्तों, अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ। और कैसे मैंने सीखा, कैसे मैंने इम्प्रूव किया, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों जहाँ भी मौका मिले, सबसे अच्छा तरीका है जस्ट टॉक 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 इन इंग्लिश, टॉक इन हिंदी, जस्ट टॉक।
कोशिश करें कि एक स्ट्रेंजर से, एक अजनबी से आपको उसकी सेफ्टी इन माइंड कि किससे बात करनी है किससे नहीं बात करनी है, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, कि अपना वो कंफर्ट देख के एटलीस्ट मीट वन स्ट्रेंजर एवरी डे एंड टॉक समथिंग. ट्राई टू फाइंड आउट हिज स्टोरी, हर स्टोरी, एंड शेयर योर स्टोरी. उससे क्या होगा कि लोगों को रीड करने का, फिर धीरे धीरे आपके पास वो एक्सपीरियंस आ जाएगा, और यही एक्सपीरियंस आपको व्हेन यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उसमें हेल्प करेगा. तो दोस्तों, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए जो सबसे बड़ा टूल है, वो टूल क्या है कि जस्ट टॉक, लर्न हाउ टू टॉक. तो जस्ट टॉक वन स्ट्रेंजर एवरी डे, दैट विल हेल्प. एंड द सेकेंड सोर्स दोस्तों, टोस्ट मास्टर्स. मैं हमेशा टोस्ट मास्टर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी पिछले 7 सालों में दोस्तों. तो टोस्ट मास्टर, आप जहाँ पे भी हो, टोस्ट मास्टर्स, TOASTMASTERS, तो बस टोस्ट मास्टर्स आप गूगल में जाके टाइप करें और देखें कि आपके एरिया में कहाँ पे है. जितने बड़े बड़े शहर हैं हिंदुस्तान में, कहीं पर भी हैं, हजारों की तादाद में क्लब्स हैं पूरी दुनिया में, जहाँ पे भी हैं, और ऑलमोस्ट फ्री में होता है. थोड़ी सी फीस चार्ज करते हैं, 4-5 हज़ार रुपये साल के, या अगर नॉट वेस्टर्न वर्ल्ड में है तो अराउंड $150-$200 साल का चार्ज होता है. पूरा करिकुलम होता है, बुक्स होता है. तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा दोस्तों, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपसे विनती करूँगा, आपकी ज़िंदगी चेंज कर देगा. पता नहीं है, आप लोग बोलते होंगे कि राकेश कितनी क्या पड़ी हुई है रिक्वेस्ट और विनती करने की. दोस्तों, मुझे मालूम था कि कम्युनिकेशन की वजह से क्या क्या बहुत सारे ऑप्शन नहीं होते हैं, अगर बहुत ढंग से आपको बोलना. नो मैटर हाउ, कितनी भी इंजीनियरिंग, कितनी भी ये आप कर लें, और इंडिया में है तो ठीक, लेकिन बाहर आपको जहाँ तक, इंडिया में भी कि कम्युनिकेशन आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप मीटिंग में हैं ठीक से बोलना आता है, सबकी आँखों में आप होते हो और आगे बहुत जल्दी प्रमोशन पाते हो और आगे जाते हो दोस्तों. तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. बॉलीवुड ले लीजिए, शाहरुख खान कोई बैकग्राउंड नहीं है बॉलीवुड का या कोई माँ का और बाप का, लेकिन कम्युनिकेशन क्यों, उनके हिस्ट्री देखिए, उनके माँ की और पापा की, शाहरुख खान साहब के, क्योंकि उनके मम्मी पापा बहुत पैसे वाले नहीं थे, लेकिन उनके पोशाक देखिए, द काइंड ऑफ वर्क ही वाज डूइंग एंड आवर मदर वाज डूइंग, वेरी वेरी डिफरेंट. अमिताभ बच्चन एग्जाम्पल लीजिए, कि आज हम बोलते हैं अमिताभ बच्चन, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अमिताभ बच्चन की सराउंडिंग कैसी थी. His father, Dr. Harbhans Rai Bachchan, was the only Indian in 1958 who went to Cambridge, England, to do PhD in English. दोस्तों, उस बाप की औलाद है अमिताभ बच्चन. और मैडम तेजी बच्चन, वो शिखरी थी और इतना तेजो तर्राक और इतनी सोशल और इतनी हाईली कम्युनिकेटर, तो वो इम्पोर्टेंस आया अमिताभ बच्चन पे. और जैसे हमारी आंटीज होती हैं, कोई आती हैं, चाची आती हैं गांव में, उस तरह उनकी चाची कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, वो आती थी. क्योंकि वो किसके साथ खेलते थे, राजीव और संजय गांधी के साथ खेलते थे. उनके बाबा के रोल में कौन थे, पंडित नेहरू थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो मैं क्या बोलता हूँ कि एक हिंदी में कहावत है कि भूखा शेर कभी घास नहीं खाता दोस्तों. तो जब अपने आप को ऐसे इन्वायरमेंट में डाल देते हो, तो उसके बाद आपको, यू आर फोर्स टू ग्रो दोस्तों. इसीलिए बोला गया है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 बेस्ट फ्रेंड यू बी फ्रेंड विद. जो आपका सर्किल होता है, कैसे लोगों के पास में उठना बैठना होता है, उसका बहुत फर्क होता है. ये है अमिताभ बच्चन, और ये है अमिताभ बच्चन की सीक्रेट उनके बोलने की और आगे सक्सेस की. इसी तरीके शाहरुख खान, मतलब एक ऐसा, देखो एक्सेप्शन हमेशा होते हैं. आप में कोई लोग सुन रहे होंगे, अरे राकेश आप जो बोल रहे हो ऐसे लोग, ये एग्जांपल क्या हुआ, तो मैं समझता हूँ एक्सेप्शन हमेशा होते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट था, उसके बाद आगे नहीं बढ़े. लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल कि कम्युनिकेशन बहुत हेल्प करती है दोस्तों आपको आगे बढ़ने के लिए. ठीक है, तो पहला रिसोर्स अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, टॉक टॉक टॉक, बात करो लोगों से, मिलो एक स्ट्रेंजर से डेली मिलो. दूसरा, ज्वाइन द टोस्ट मास्टर वेयर एवर यू आर. अगर आपके इलाके में टोस्ट मास्टर दोस्तों नहीं है, youtube.com पे जाइए और वहाँ पे टोस्ट मास्टर टाइप कीजिए, आपको हजारों वीडियोस मिलेंगे दोस्तों, और उनको देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो. और अगर आप रियली में थोड़ा सा अच्छे लेवल पे हो या जाना चाहते हो, तो टेड टॉक का नाम सुना होगा, TED.com, TED.com. 10 सालों से, कम से कम 6-8 सालों से तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे चल रहा है. और अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो टेड का शाहरुख खान ने भी शुरू किया हुआ दोस्तों, हिंदी वर्जन. तो इतनी इंपॉर्टेंट है, आप जाइए केवल YouTube पे टेड वीडियोस, टेड टॉक के देखिए, एक वीडियो हर संडे को देखिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी. ऐसे ऐसे आइडियाज, ऐसी ऐसी स्टोरीज आप सुनेंगे तो आपको लगेगा, अरे
मैं तो फालतू में ही रो रहा था कि बहुत मैं मेहनत करता हूँ, बहुत काम करता हूँ, और या हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, मैं आगे क्या करूँ, बहुत लोगों का एक्सक्यूज होता है, आप ही बताइए मैं क्या करूँ। तो उसको एक वीडियो केवल सुने दोस्तों, हर संडे को आपको भी ये पूछने की जरूरत किसी से नहीं पड़ेगी कि अरे मैं क्या करूँ, या कहाँ से मोटिवेशन लाऊँ, कहाँ से इंस्पिरेशन लाऊँ। टेड टॉक्स जो हैं अपने आप में एक कोच हैं, अपने आप में एक मेंटर हैं। दोस्तों अगर आप सुन रहे हो, बहुत बहुत लकी हो। हाँ, इससे लग रहा कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, ठीक है कर रहा हूँ बड़ाई, कि इसलिए बड़ाई कर रहा हूँ कि जब मैं था शायद आज के 10 साल 15 साल 20 साल पहले खोया हुआ था, कि मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, किससे मैं बात करूँ, और आगे कुछ करना चाहता था लेकिन कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए मैंने अपने आप हर चीज़ सीखा। लेकिन आज आपके सामने ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। तो तीसरा दूसरा हो गया टोस्ट मास्टर, और ये टेड टॉक हो गया। उसके बाद इसी तरीके से और सर्विस क्लब, उसको हम बोलते हैं लॉयंस क्लब, और लॉयंस क्लब बड़े बड़े, जैसे कि मैं, मेरे कुछ दोस्त हैं और वो रेणु सागर में, तो मतलब ऊंचा मिर्जापुर में है या सोनभद्र में, जहाँ भी आता है, ऐसी ऐसी जगहों पे भी है लॉयंस क्लब। तो जहाँ भी लॉयंस क्लब है वहाँ पे आप ज्वाइन करें लॉयंस क्लब। अगर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करें कि लॉयंस क्लब को लेटर लिखें, ईमेल लिखें, बात करें, फ़ोन करें, सर मेरी एक स्टोरी है, मैं आके शेयर करना चाहता हूँ। जाएं, इंग्लिश में शेयर करें, हिंदी में शेयर करें, हिंग्लिश में शेयर करें, तो उससे क्या होगा कि लोगों के सामने जब आप स्टोरी अपनी शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचेगी, और जगह वो शेयर करें, हो सकता है और जगह आपको बुलाया जाए। दोस्तों बोलना सीखें, और अगर स्टेज मिल जाती है तो इट्स नथिंग लाइक दैट। या सो नेक्स्ट रिसोर्स क्या रहा, लॉयंस क्लब आप ज्वाइन कर लें। एक और जो सबसे यू नो इम्पॉर्टेंट रिसोर्स में लास्ट में वो शेयर करना चाहूँगा, है तो बहुत सारे लेकिन ये टाइम का थोड़ा सा वो होता है, बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता। तो एक जो लास्ट रिसोर्स है वो है MLM, जो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग की जो कंपनीज होती हैं। दोस्तों ना तो मैंने कभी MLM ज्वाइन किया है, लेकिन MLM कंपनी जो है ना, मैं किसी का नाम यहाँ पर लेना चाहूँगा, लेकिन जितनी भी MLM ये नेटवर्किंग कंपनीज होती हैं, जो मल्टी लेवल कंपनीज होती हैं, दोस्तों आप इनको ज्वाइन करें खाली कम्युनिकेशन के लिए, लोगों से मिलने के लिए, और यू नो कि कैसे अपने आप को प्रोडक्ट शोकेस करना। बहुत सारी MLM कंपनीज जैसे इंडिया में ही हैं, देखा होगा, अरे वो भाई इतने 10 लाख कमा रहे हैं महीने का, 20 लाख कमा रहे हैं, कोई 5 लाख कमा रहे हैं। तो उनमें देखें कि जो हाई अर्नर होते हैं, जो हाई स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनमें और जो नहीं होते उनमें क्या फ़र्क होता है। दोस्तों सबसे बड़ा फ़र्क होता है कम्युनिकेशन का। दैट पर्सन आर दैट लेडी आर जेंटलमैन, दे नो हाउ टू कम्युनिकेट। वो बिल्कुल कभी होता नहीं कि लगता है कोई ऐसा बोलता, लगता है बोलता ही रहे या और इतना अच्छा बोलता है। तो बोलना सीखें, एक तो पहले बोलना सीखें, उसमें कॉन्फिडेंस लाएं, उसके बाद उसमें भी मॉड्यूलेशन लाएं, ये कैसे यू नो मैजिकली लोगों को, लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल यू नो सम्मोहित कर लेते हैं, इतना बढ़िया बात करने की ताकत लोगों में होती है। तो दोस्तों ये MLM कंपनीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, पैसा ठीक है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ पैसे के लिए की जाए, ठीक है। आप MLM कंपनी ज्वाइन करें, उसके लिए आपको जो भी मेंबरशिप पैसा देना है, अगर कुछ अर्निंग भी नहीं तो सिर्फ जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज सेफ और नेटवर्किंग, कैसे लोगों से मिलोगे और कैसे कैसे लोगों की सुनोगे, उससे मोटिवेशन रहेगा, इंस्पिरेशन रहेगा, और बात करने का भी ढंग होता है। मैं तो बोलता हूँ कि पता नहीं कभी शेयर किया, एक समय था कि मैं खुद डायरेक्टर बनना चाहता था या एक्टिंग में आना चाहता था, जब मैं यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में मूव हुआ, आई वेंट टू इवन न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी, ऐसे मतलब 2-3 साल का कोर्स नहीं, ऐसे एक हफ्ते का, एक दिन का, 2 दिन का जो वर्कशॉप होती हैं यहाँ पे टोरंटो में, एक लिफ्ट करके इंस्टीट्यूट, वहाँ पे गया, एक्टिंग सीखी, लाइटिंग सीखी, कैमरा सीखा, छोटी छोटी वर्कशॉप होती थी। मैं तो बोलता हूँ कि हर आदमी को एक्टिंग सीखनी चाहिए। व्हाट इज एक्टिंग? अगर एक्टिंग देखें तो एक्टिंग इज नथिंग बट डिलीवरिंग एनी यू नो इमोशन इन प्रोफेशनल वे इज एक्टिंग। तो अगर आप मैनेजर होते हो, अगर आप एक्टिंग सीख लोगे, तो एक्टिंग में ये बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर इमोशंस को कितनी स्मूथली प्रोफेशनली आपको डिलीवर करना, दैट विल हेल्प। तो कभी कभी क्या होते हैं कि आप अपनी इंडस्ट्री की जो है वही चीज़ें सीखते हैं, लेकिन कभी कभी दूसरी इंडस्ट्री के आपको सेमिनार अटेंड करना चाहिए, दूसरी इंडस्ट्री की चीज़ें हैं। तो जैसे एक्टिंग मैंने बताया, कोई बोलेगा हंसे, अरे राकेश साहब क्या बोल रहे हो, मैं मैनेजर हूँ अपनी IT कंपनी का, मुझे एक्टिंग से क्या मतलब? दोस्तों करके तो देखो, कोई एक्टिंग की वर्कशॉप है, आप बॉम्बे में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, कलकत्ता में रहते हो, या चेन्नई में, कोलकाता में रहते हो, बेंगलुरु में रहते हो, तो उन जगहों पे जाके जस्ट ज्वाइन एंड सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। या तो दोस्तों ये है बड़े अनकन्वेंशनल वे आपको जो आके लेके जाएंगे। तो दोस्तों टॉपिक क्या था आज का, स्ट्रेचिंग बियॉन्ड योर कम्फर्ट जोन। अब जैसे क्या होता है कि लगभग हम 40 घंटे तो हफ्ते में सभी लोग काम करते हैं, कभी कभी लोग बोलते हैं अरे 40 घंटे 50 घंटे हमने काम किया ऑफिस में और थक गए, अब वीकेंड आ गया। दोस्तों 40 घंटे सभी लोग काम करते हैं, 50 घंटे सभी लोग काम करते हैं, बॉम्बे वगैरह जैसे लोगों में लोग 2-2 घंटे एक तरफ ट्रेन में आते हैं,
मैं कहना क्या चाह रहा हूँ दोस्तों कि ऑफिस में जो ऑफिस आवर्स होते हैं तो उसमें तो सभी लोग काम करते हैं, कभी थोड़ा उसमें ज्यादा बैठ के देखिए ये क्यों। ऐसा भी तुम सोच सकते हैं जिस कंपनी में काम करते हैं कि हमारी कंपनी है, एज ए ओनर अगर आप एज ए ओनर उस कंपनी के होगे तो किस तरीके से, क्या सिंसियरिटी है कैसे काम करोगे। तो दोस्तों लग जाओ, उम्र है, यंग एज जब तक है 35, 40, 45, 50 तक लगे रहो और वो आपको कहीं से कहीं बहुत ऊपर लेके जाएगी। मैं तो ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि जब आप ऑफिस में, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, आप जब आपको कोई नहीं देख रहा होता है तब जिस सिंसियरिटी और लगन से काम करते हो वो चीज़ आपको ऊपर लेके जाती है। या तो आपको तो 24 घंटे मिले ही है ना, तो उन 24 घंटे में देखिए, कभी अगर हो सके तो एक हफ्ते कभी पूरा अपना टाइम टेबल बनाइए कि 24 पूरे एक हफ्ते का पूरा ट्रैक कीजिए कि हर दिन हमने क्या किया, आपको लगे कितना टाइम आपने वेस्ट किया और उस टाइम को यूज़ करके कितनी चीज़ें आप अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हो, या कोई यू नो ऑनलाइन कोई डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हो, उसके लिए कोई कोर्सेज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। आज तो घर छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं दोस्तों, आपका लैपटॉप है, सेलफोन है, उसी पर किया जा सकता है। या तो क्या है कि जितना सब लोग कर रहे हैं आप भी कर रहे हो। एक इसमें मैं लास्ट में कहानी शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, और वो कहानी बहुत गौर से सुनिएगा कि बहुत बड़ा उस कहानी में एक लेसन छिपा हुआ है। और इसके पहले तरह कुछ लोग जो भी नए ज्वाइन किए हैं, सो सुशील तरवाजी थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, जितेश वर्मा जी थैंक यू वेरी मच, शैलेश चतुर्वेदी जी थैंक यू वेरी मच, लिजिट्राई थैंक्स अलॉट, समीर चतुर्वेदी जी थैंक्स अलॉट, अश्विनी मिश्रा जी थैंक यू वेरी मच, एंड अशोक शर्मा जी थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करना जा रहा हूँ, एक मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, 30 to 45 seconds। वो कहानी है हमारे ग्रेट मोहम्मद अली की, शायद आपने नाम सुना होगा मोहम्मद अली का, रादर द ग्रेट मोहम्मद अली अमेरिका से। तो दोस्तों क्या हुआ, अभी वो अपनी पीक पे थे तो जर्नलिस्ट के साथ उनका इंटरव्यू तय हुआ और वो इंटरव्यू दे रहे थे तो जर्नलिस्ट ने मोहम्मद अली साहब से क्वेश्चन किया कि मिस्टर अली, whenever you have any big game tomorrow and today you make those practices, you punch that sand back, do you count how many punches you punch on the sand back? तो ये क्वेश्चन किया जर्नलिस्ट ने कि आपका कोई बहुत बड़ा गेम है कल बॉक्सिंग का और आज आपको प्रैक्टिस करनी है, तो जो सैंड बैग आपका होता है उसमें जब आप पंचेज मारते हो तो काउंट करते हो कितने पंचेज की प्रैक्टिस करते हो? तो मोहम्मद अली साहब कुछ सेकेंड के लिए शांत रहे, उसके बाद आंसर दिया, नो आई डोंट काउंट दोस पंचेस, आई की पंचिंग टिल आई फिनिश ऑल माई एनर्जी एंड आई ऑलमोस्ट कोलैप्स, कि मैं अब इसके बाद एक भी पंच नहीं मार सकता, कुछ भी अब मेरे अंदर एक भी ड्रॉप एनर्जी नहीं बची हुई है दोस्तों। ये मोहम्मद अली ने बोला कि वो कभी ये काउंट नहीं करते हैं तब तक, मिल गया ना आंसर आपको? या कि मोहम्मद अली ने बोला कि मैं पंच करता रहता हूं जब मैं सोचता हूं अब एक भी पंच नहीं मार सकता, देन आई स्टार्ट काउंट। दोस्तों इतना बड़ा मैसेज है, तो मैसेज ये है कि वो जब सारी एनर्जी उनकी खत्म हो गई उसके बाद वो काउंट करते हैं, क्योंकि मोहम्मद अली ने बोला कि तब तक तो सभी बॉक्सर प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद में अमिताभ बच्चन वाली स्टाइल में कि जहां से मैं शुरू होता हूं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो दोस्तों मोहम्मद अली का ये स्टाइल था कि तब वो काउंट करते थे, उसके बाद एवरी पंच मेक हिम डिफरेंट, मेक हिम नंबर वन, मेक हिम ग्रेट, दैट्स व्हाई ही इज नोन द ग्रेट मोहम्मद अली। तो दोस्तों वही चीज अपनी लाइफ में, आप सेल्स जॉब में, आप आईटी जॉब में, आप टीचिंग जॉब में हो, जो आपसे एक्सपेक्टेड है वो वहां तक है, उसके बाद जब आप करते हो उसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग योर सेल्फ बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन। दोस्तों आज के समय में जैसा मैं बोलता हूँ, यू आर लिविंग इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम एवर इन ह्यूमन रेस, कुछ भी पॉसिबल है दोस्तों, करके तो देखो। 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे सोने के निकाल दिए, 4 घंटे खाने पीने वॉशरूम और चीज़ों के निकाल दिए, 12 घंटे हो गए,
और क्या कहते हैं कि ड्राइविंग उसके निकाल दिए और 8 घंटे जॉब के निकाल दिए, तब भी 4 घंटे पर दिन बचते हैं दोस्तों। अगर 4 घंटे पर दिन के होते हैं तो 30 दिन का महीना होता है ऑन एन एवरेज, और 4 × 12 120 घंटे आपके महीने के होते हैं दोस्तों। 120 घंटे अगर कोई चीज़ सीखने में, लर्न करने में, हेल्प करने में, कुछ में भी लगा दो और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 150 यू नो अराउंड 1500 घंटे आपके पास होते हैं। केवल ये 1500 घंटे आपको कहीं बहुत बड़ी कैटेगरी में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन अंदर से एक आग होनी चाहिए। वो आग की ये क्यों करना है आपको, तो ये कभी अगले बार के लिए टॉपिक रखेंगे कि फाइंडिंग योर वाई। कि जब आपको ये मालूम चल जाएगा कि मेरी वाई क्यों है, क्यों ये चीज मैं करना चाहता हूं दोस्तों, तब आपका जोश दुगना हो जाता है। तो ये रहा दोस्तों आपका दोस्त राकेश मिश्रा टोरंटो से आपके सामने। जैसा कि पिछले 2 महीने से लगभग हर सोमवार को आपके सामने यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे अपने घर में हूँ, वॉक कर रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये रहा आज का स्ट्रेचिंग योर सेल्फ बियॉन्ड योर कम्फर्ट जोन, किस तरीके से करें। एक क्विकली 1 मिनट का रिकैप दे देता हूँ कि आज का टॉपिक था स्ट्रेचिंग योर सेल्फ बियॉन्ड योर कम्फर्ट जोन। सो दोस्तों क्या होता है कि हम हर समय, हर क्षण जब भी जगे होते हैं, हम एक ही जॉब में होते हैं और वो जॉब है सेल्स की। एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब इन द वर्ल्ड। यू आर सेलिंग एवरी टाइम, एज लॉन्ग एज यू आर टॉकिंग टू समवन, एज लॉन्ग एज यू आर वॉचिंग समवन, एज लॉन्ग एज यू आर अवेक, यू आर सेलिंग वन वे आर अदर। और हमारे पास 3 ही चीज़ें होती हैं सेल करने के लिए, या तो कोई हम प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, या कोई सर्विस सेल कर रहे होते हैं, या अपने आप को सेल कर रहे होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने आप को सेल करना। जैसा लोगों ने बोला हुआ कि अगर अपने आप को आपने सेल कर दिया तो इसका मतलब आपने एक कॉन्फिडेंस, एक ट्रस्ट और एक लाइकेबिलिटी, एक क्रेडिबिलिटी आपने बना ली, फिर तो कस्टमर को आपको प्रोडक्ट खरीदना ही खरीदना है। और अपने आप को बेचने के लिए दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है वह है कम्युनिकेशन स्किल। और वो कम्युनिकेशन स्किल में जो सबसे बड़ा आपका रोल है, जो स्किल है, वह है पब्लिक स्पीकिंग। तो स्पीकिंग पर आप ध्यान दें। मैं बोलता हूँ अगर कोई कोर्स करना हो, किसी से ट्यूशन लगाना हो दोस्तों, आज मैं रिवील करना चाहूँगा अपने, जब मैं 40 साल का हो गया तो क्या हुआ कि उस समय मेरे बेटे की एक टीचर, बहुत अच्छी टीचर यहीं पे, यहाँ पे कनाडा में, मुझसे बात किया कि मैडम आई वांट टू यू नो काइंड ऑफ पुट यू एज माय ट्यूटर। तो वो थोड़ा सा हंसने लगी, नहीं आपकी तो इंग्लिश बड़ी अच्छी, नहीं मेरे को थोड़ा सा यू नो जो कैनेडियन या जो नॉर्थ अमेरिकन थोड़ा सा एक्सेंट है मेरा, इंडियन एक्सेंट है, तो उसको थोड़ा सा रिमूव करना है। बोलते नो डोंट ट्राई टू यू नो दैट्स डिफरेंट, दैट इज योर यू नो बेसिकली यू आर डिफरेंट एंड यू हैव एक्सेंट, सो वॉट यू आर गुड। सो बट स्टिल आई टुक 4 or 5 lessons। वो अपने घर पे आई और मेरे को 1 घंटे पढ़ाती थी। तो कोई बोले तो अरे 40 साल की एज में इंग्लिश के लिए ट्यूशन लिया तो एक हंसने वाली बात है, लेकिन नहीं दोस्तों, आप कोई चीज़ इम्प्रूव करते हो तो कोई आपसे नहीं पूछता कैसे इम्प्रूव हुआ, लेकिन लोग उससे इम्प्रेस्ड होते हैं। तो मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना था, लेकिन मुझे लगा क्योंकि मैं स्पीकिंग में आना चाहता था कि वो एक मेरी वीकनेस थी, और अभी भी हमेशा इम्प्रूव करता हूँ। अपना कोच हायर किया फाइनली एज ए स्पीकर से दोस्तों, जहाँ पे भी हो स्पीकिंग स्किल अगर आप डेवलप कर ले गए आपको हमेशा काम आएगी दोस्तों। और आज के टाइम पे तो बहुत ही इम्पोर्टेंस बढ़ गई है आपकी स्पीकिंग स्किल्स की। जिस दुनिया में हम जा रहे हैं दोस्तों, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और रोबोटिक्स की दुनिया में, उसमें क्या हो रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है और जो आईटी है, जो सॉफ्टवेयर हैं, जो पैकेजेस हैं, ये इस तरीके से डेवलप किए जा रहे हैं कि आदमी की ज़रूरत ना हो, या आदमी की ज़रूरत हो तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस आदमी की ना हो। तो दोस्तों बहुत दूसरी दुनिया में जा रहे हैं। तो अगर आपकी ये कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसका मतलब कि यू नो हाउ टू मैनेज पीपल, यू नो हाउ टू बिकम अ लीडर, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल आपके लिए साबित होगी हर फील्ड में, आपके सोसाइटी में, आपके विलेज में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके देश में, आपके ऑफिस में। एवरी वॉक ऑफ लाइफ इज़ गोइंग टू बी इम्प्रूव्ड वंस यू इम्प्रूव योर पब्लिक स्पीकिंग। सो दोस्तों 1-2 और लोगों ने ज्वाइन किया है, और हमारे कैलाश मोटवानी साहब हैं, और देव कपिल साहब हैं, और अली अहमद शाह साहब हैं। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन दोस्तों सभी लोगों को ज्वाइन करने का। और कभी हो सके, अब जैसे मैं अभी मार्च अप्रैल में इंडिया जाता हूँ तो क्या करता हूँ, यहीं से बुक कर लेता हूँ, चाहे IITs हों, IIMs हों, जयपुरिया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हों, इंटर कॉलेज हों और डिग्री कॉलेज, वहाँ जाता हूँ, लोगों से शेयर करता हूँ। ये सबसे बड़ा मेरा एक टाइम इंडिया में गुजरता है। तो इसी तरीके से
दोस्तों, आप जब भी छुट्टियां मनाने, आप पाकिस्तान से हैं, हिंदुस्तान से हैं, श्रीलंका से हैं, बांग्लादेश से, कहीं से भी हैं दोस्तों, जाएं और वहां पे शेयर करें, या आज यहां पे बैठ के, कनाडा में बैठ के, इन मुल्कों में बैठ के भी अपनी लाइफ के बारे में या आपने जो अपनी ज़िंदगी से सीखा है वो शेयर कर सकते हैं दोस्तों। ये मैं यही कह रहा हूँ, यही मुझे भी टाइम होता है, बच्चों को देखना होता, अपने आप को देखना होता, लेकिन अच्छा लगता है क्योंकि यह है इतना अगर स्ट्रगल किया है पिछले 40 सालों में 45 सालों में, अगर ये हम शेयर करेंगे, किसी का इससे भला होता है, कोई उसको प्रोत्साहन मिलता है, तो कोई इनकरेज मिलता है, कितनी अच्छी बात है। बाकी दोस्तों, इसके अलावा इससे मेरे को एक सेल्फिशलेस एक एफर्ट है कि शेयर करता हूँ, अच्छा लगता है। इसको सुनने के बाद लोग कमेंट करते हैं, लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं, फिर उनसे फ़ोन में बात करता हूँ और यही दे सकता हूँ दोस्तों। और कोशिश करता हूँ कि हर अपनी स्टॉक से मंडे को अगर एक आदमी, एक इंसान, एक फैमिली का भी किसी तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सका, तो सोचता हूँ कि हमारा ये वीक बहुत सफल रहा। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, आपसे सब लोगों से विदा लेता हूँ और गुजारिश करता हूँ आपसे कि जितने लोगों से अगर आप शेयर कर सकें मेरे इस ऑडियो को, आप शेयर करें। इसका यूट्यूब चैनल है, सारे लिंक मैं डाल देता हूँ इसमें, और इसको आप शेयर कर सकते हैं, अपने फेसबुक में शेयर कर सकते हैं और कहीं भी शेयर कर सकते हैं दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग वंस अगेन। और उसके बाद से जल्दी से अच्छा लगता है नाम पढ़ने में, एक बार से फिर नाम पढ़ देता हूँ जितने नाम यहाँ पे हैं। थॉमस अराजो, एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि इफ़ यू कैन टाइप द सिटी, किस सिटी से आप हैं, प्लीज़ अपने फेसबुक में जहाँ पे भी अगर टाइप कर सके तो बहुत खुशी होगी मुझे कि जस्ट टाइप करें कि कौन सी सिटी से हैं आप, जस्ट नेम ऑफ द सिटी दोस्तों। सो थॉमस, अमित पांडे जी, शिशिर कपिल साहब, लानी डिक्शन, रूपी किशोर, असित चक्रवर्ती साहब, आई थिंक रेणुकूट से हैं, अंशुदीप आनंद साहब और सरबजीत सिंह जी एंड जैम, मोहम्मद डिस्मैल साहब, प्रवीण पटेल जी, बलचंद्र जी, मरिया, सुशील तरवार साहब, जितेश वर्मा जी, शैलेश चतुर्वेदी जी, लिजी थ्री एंड ट्राई थ्री एंड समीर चतुर्वेदी जी, हमें तो आजमगढ़ से हैं, और अश्वनी मिश्रा, अशोक शर्मा, कैलाश मोटवानी एंड देव कपिल एंड अली अहमद शाह साहब। सो सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। और मैं आपसे विदा लेता हूँ इस प्रॉमिस के साथ कि अगले मंडे को 9 से 9:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे फिर आपसे मुलाकात होगी आपके इस दोस्त को। तो अब मुझे इजाज़त दें और अगले सोमवार को मैं फिर आप लोगों से मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आई सल्यूट यू एंड आई ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर prosperous, happy and grateful life. Thank you. Bye-bye.